दो और तीन मई को जिस वक्त पूरा देश ईद और परशुराम जयंती मना रहा होगा, उसी वक्त मध्य प्रदेश का खरगोन कर्फ्यू की गिरफ्त में होगा। स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है और कहा कि दो और तीन मई को मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू लगा रहेगा, जिसकी वजह से ईद की नमाज भी घरों में ही पढ़ी जाएगी। खरगोन के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमेर सिंह मुजालदा ने कहा कि इस बार ईद की नमाज घर पर ही अदा की जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी दी कि अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर जिले में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। बीते 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव की घटना के बाद शहर में अचानक हिंसा भड़क उठी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 1 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच छूट दी जाएगी। एडीएम ने कहा कि आदेश पारित किया गया है कि दुकानें खुली रहेगी और परीक्षा देने वाले छात्रों को पास दिया जाएगा। हालांकि मांग के अनुसार निर्णय में बदलाव किए जा सकते हैं। 10 अप्रैल को भड़की हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा घटना में इदरीश खान नामक एक युवक की मौत भी हुई थी। जुलूस के दौरान लोगों के समूहों ने एक दूसरों पर पथराव किया था। जुलूस की शुरुआत में पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक पुलिस निरीक्षक सहित 4 लोग घायल हुए थे। इसके बाद यह मामला देश भर में सुर्खियों में छाया रहा, साथ ही राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सियासत का मुद्दा बन गया। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के लिए इसी के चलते अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन और समाजजनों के बीच हुई बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया। गौरतलब है, मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस कर्फ्यू में समय समय पर ढील दी जा रही थी। अभी कल 1 तारीख को 8 से 5 तक खुला रहेगा, 2 और 3 को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। शादी वाले कल 5 बजे तक जा सकते हैं। एग्जाम के लिए बच्चों को कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। दो और तीन को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। अब परिस्थिति के ऊपर है, कल का दिन भी देख लेते हैं। उसके बाद त्यौहार ईद का है और अक्षय तृतीया का, सब अपने घर पर नमाज पढ़ेंगे। और अक्षय तृतीया में जो परशुराम रैली वगैरह जुलूस वगैरह सब पे प्रतिबंध है। छूट वो कल ही इसलिए कह रहे हैं कि कल ही चले जाए। सर लगन जैसे यहाँ लोकल में अगर लगन रहा, या लोकल में लगन नहीं है किसी के, वो होगा तो अभी तक तो हमको जानकारी में नहीं है। सर आगामी त्योहार को लेकर क्या तैयारी, सर कितना बना है? आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्था की गई है, कैमरे ड्रोन आदि की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही हम नियमित रूप से फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, बाहर से अभी बल आएगा तो जो बल आता है उसके बारे में बताया जाएगा। और साथ ही विभिन्न पॉइंटों पर व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, तो पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। साथ में जो समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ बैठक ली गई है और उसके उनसे यही अपील की गई है कि त्योहारों के समय अमन चैन और शांति बनाए। और इस संबंध में अन्य मीटिंगें भी ली जाएगी और उसके बाद ही त्योहारों की आप करनी। 2 और 3 तारीख को फुल कर्फ्यू की जो चर्चा है, इस संबंध में अभी वरिष्ठ स्तर पर मीटिंग दी जाएगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि त्योहारों के दौरान क्या व्यवस्था रहेगी। और जैसे ही निर्णय होता है उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा।